hello children welcome to hindi class it's story time now today i am going to narrate a hindi story lomdi or saras lomdi means fox you all know that and saras means crane it is a bird and it has a long beak let's watch the story and सी व्हाट मोरल वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी लेट्स सी लोमड़ी और सारस एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी उसे दूसरे जानवरों को मूर्ख बनाने में बड़ा आनंद मिलता था एक दिन एक सारस जंगल में आया सारस बहुत सीधा साधा सच्चा प्राणी था लोमड़ी सोचने लगी क्यों न इसे मुर्ग बनाकर मजे लू लोमड़ी ने सारस के साथ दोस्ती की और उसे अपने घर भोज के लिए आमंत्रित किया लोमड़ी उसका स्वागत करते हुए बोली आओ मित्र आज मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर बनाई है लोमड़ी ने जान थाली में खीर परोस दी लंबी चोंच वाले सारस ने थाली से खीर खाने का प्रयास किया लेकिन खा नहीं पाया उधर लोमड़ी झटपट थाली में से खीर चाट गई अपनी थाली में से खीर खत्म करने के बाद वह सारस से बोली तुम खीर क्यों नहीं खा रहे हो क्या तुम्हें खीर पसंद नहीं आई सारस बोला खीर बहुत स्वादिष्ट है लेकिन आज मेरे पेट में दर्द है सारस समझ गया कि लोमड़ी जानबूझकर उससे सवाल कर रही है लेकिन वह कुछ नहीं बोला सारस अपमान का घूट पीकर वहां से भूखा ही चला गया उधर लोमड़ी सारस को मुर्ग बनाकर बहुत खुश हो रही थी कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को भोज पर आमंत्रित किया लोमड़ी सारस के घर पहुंच गई सारस बोला मित्र मैंने भी भोज में खीर बनाई है आशा है तुम्हें खीर का स्वाद पसंद आएगा खीर सुनकर लोमड़ी के मुंह में हम पानी आ गया कुछ देर में सारस ने सुराई में खीर भरकर परोस दी लोमड़ी को सुराई से खीर खाना असंभव था वह चुपचाप सारस का मुंह देखने लगी सारस ने झटपट सुराई में से खीर खा ली जैसे ही खीर खत्म हो गई सारस ने लोमड़ी को पूछा क्या हुआ तुम खीर क्यों नहीं खा रहे हो क्या तुम्हें खीर पसंद नहीं आई लोमड़ी समझ गई कि सारस ने उससे अपने अपमान का बदला लिया है लोमड़ी बोली नहीं मित्र आज मेरे पेट में दर्द है और लोमड़ी वहां से भाग गई ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है जैसा करोगे वैसा भरोगे जैसे को तैसा मीन्स इफ यू चिट एनी वन One day you will also get cheated by someone. So, it's not good to cheat anyone or make fun of anyone. So, children, did you enjoy the story? And I hope you have understood the moral of the story. Bye. See you in the next class.